पेरिस ओलंपिक्स इस वक्त चर्चा में है, बट नॉट फॉर ऑल द राइट रीजंस। दुनिया भर के खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक्स में अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मेडल जीतने की प्रयास में लगे हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, विच इज हाईलाइटिंग द मिसमैनेजमेंट डन एट द पेरिस ओलंपिक्स। मेडल की टैली के बारे में तो अभी तक आप काफी अपडेटेड होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि खिलाड़ियों को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है जिस वजह से उनका गेम भी खराब हो सकता है। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। सबसे पहले समझते हैं कि ओलंपिक्स विलेज क्या होता है। ओलंपिक्स विलेज वो जगह होती है जहां पर ओलंपिक्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी और ऑफिशियल्स को रखा जाता है। ये एक टेम्पररी सेटलमेंट होता है जो हर ओलंपिक्स के लिए अलग अलग लोकेशन पर सेट किया जाता है। ओलंपिक्स विलेज में उनके रहने, खाने और दूसरी जरूरी सुविधाओं का प्रबंध होता है। इसका मकसद होता है कि खिलाड़ियों को एक ऐसा माहौल मिले जहाँ वो अपने स्पोर्ट्स पर फोकस कर सके बिना किसी डिस्ट्रैक्शन या दिक्कतों की चिंता के। ओलंपिक्स विलेज का मकसद होता है कि खिलाड़ियों को एक कम्युनिटी का हिस्सा महसूस कराया जा सके, जहां वो अलग अलग देशों के खिलाड़ियों के साथ इंटरैक्ट कर सके, अपना समय बिता सके और एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके। ये जगह ओलंपिक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करती है जो यूनिटी और स्पोर्ट्समैनशिप को भी दर्शाती है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि ओलंपिक्स विलेज या एथलीट्स विलेज कितना इंपॉर्टेंट होता है खिलाड़ियों के लिए। अब अगर इस ओलंपिक्स विलेज में दिक्कतें आए या इनकन्वीनियंसेस आए तो खिलाड़ियों पर इसका असर तो ज़रूर पड़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओलंपिक्स विलेज से टेबल टेनिस एरिना तक का सफ़र लगभग 45 मिनट्स तक का है। अब सोचिए इतनी दूरी बिना एयर कंडीशनिंग के बस में तय करनी पड़ रही है। इस रिपोर्ट में एक भारतीय बॉक्सर ने बताया है कि ये सफ़र उनके लिए जर्नी टू हेल जैसा था। बस के अंदर गर्मी और सफोकेशन की वजह से वो पहले ही पसीने में थे। क्या आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल होता होगा जब आप अपने कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हैं और आप ऑलरेडी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। दूसरा बड़ा इनकन्वीनियंस फूड एंड अकोमोडेशन को लेकर है। ओलंपिक्स विलेज में कई खिलाड़ी खाना और सुविधाओं से नाराज हैं। भारत के टॉप रैंक सिंगल टेनिस प्लेयर सुमित नागल का कहना है कि यहाँ कोई भी खिलाड़ी सुविधाओं से संतुष्ट या सेटिस्फाइड नहीं है। खिलाड़ी कहते हैं या तो खाना कम होता है या लंबी लाइन लगी होती है। एक टेबल टेनिस प्लेयर ने कहा कि कार्डबोर्ड बेड्स की वजह से उन्हें शुरू में सोने में मुश्किल हो रहा था। खाना टेस्टलेस होता है और खाना खत्म होने के बाद रिफिल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसी वजह से टीम ग्रेट ब्रिटेन अपने खुद के शेफ को भी लेकर आए हैं इस पेरिस ओलंपिक्स। तीसरा मेजर कंसर्न है सिक्योरिटी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ओलंपिक्स विलेज में चोरी की घटनाएं भी सामने आई है। एक जापानीज रग्बी प्लेयर ने अपनी शादी की अंगूठी चोरी होने की रिपोर्ट दी, जबकि एक ऑस्ट्रेलियन कोच ने क्रेडिट कार्ड चोरी होने की शिकायत की। इसी तरह के इंसिडेंट से खिलाड़ियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर भी सवाल उठाया जा रहा है। भारतीय खिलाड़ियों का कहना है कि वो अपनी वैल्यूएबल्स को सेफ्टी वॉल्ट्स में रखते हैं। एक रग्बी सेवन्स प्लेयर ने अपने रूम से ज्वेलरी और कैश चोरी होने की रिपोर्ट दी, जो अराउंड 3000 यूरोस के बराबर थी। थेफ्ट इज बीइंग अ बिग कंसर्न दिस पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स ने एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स को कम करने के लिए एथलीट्स रूम में एयर कंडीशनिंग नहीं लगवाई है, लेकिन हीट वेव की वजह से खिलाड़ियों को मुश्किल हो रही है। गर्मी और क्राउडेड रूम्स की वजह से कई खिलाड़ी कंप्लेन कर रहे हैं। पीवी सिंधु ने कहा कि उनका फैन तो काम कर रहा है, लेकिन सबको ये सुविधा नहीं मिल रही है। बाहर के टेम्परेचर से अंदर के कमरे में ज़्यादा गर्मी हो रही है, जो आराम और एथलीट्स के रेस्ट पीरियड को भी हैम्पर कर रही है। सुमित नागल का कहना है कि ओलंपिक्स जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए बेहतर व्यवस्था हो सकती थी। कोको गॉफ ने टिकटॉक पर अपने कमरे की वीडियो शेयर की, जिसमें 10 लड़कियाँ और सिर्फ 2 वॉशरूम्स हैं। ये चीज़ें ओलंपिक्स के एक्सपीरियंस को इम्पैक्ट कर रही है। ये थी वो कुछ मुश्किलें जो पेरिस ओलंपिक्स 2024 के दौरान सामने आई हैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में, और कई एथलीट्स ने अपने सोशल मीडिया पर भी इन कंसर्न्स को हाईलाइट किया है। ओलंपिक्स का मकसद होता है खिलाड़ियों को एक बेहतर और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना, जिससे कि वो अपने स्पोर्ट में अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए। लेकिन इन इश्यूज की वजह से कुछ खिलाड़ियों को तकलीफ हो रही है। आपका क्या ओपिनियन है पेरिस ओलंपिक्स की इस मिसमैनेजमेंट पर, हमें कमेंट्स में बताएं और स्विच को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।